जांजगीर चांपा जिले में किसानों की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। समर्थन मूल्य में धान बेचने वाले किसानों को अब अपने धान का पैसा पाने के लिए बैंकों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक लाइन में खड़े रहने के बावजूद कई किसानों को खाली हाथ घर लौटना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि जांजगीर के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के जिम्मेदार अधिकारी कमीशन की मांग करते हैं, जो कमीशन देता है उसे पीछे के दरवाजे से पैसा दिया जा रहा है। जांजगीर चांपा जिले में किसान इन दिनों अपना ही पैसा प्राप्त करने के लिए परेशान हो रहे हैं। सुबह से शाम तक लाइन में लगने के बावजूद पैसे नहीं मिल रहे हैं। कई दिनों से यहाँ यही हाल है, इसी वजह से किसानों का गुस्सा फूट रहा है। दरअसल जिले में किसानों ने धान बेच दिया है, उसी के पैसों के लिए वे इन दिनों जिला सहकारी बैंक के चक्कर लगा रहे हैं, मगर दिन भर लाइन लगने के बाद भी उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किसानों ने बताया कि हम कई दिनों से आ रहे हैं, फिर भी जमा पर्ची को देना जल्द ही बंद कर दिया जाता है। बैंक वाले कहते हैं कि पैसे ही नहीं है, कहां से दे, ऐसे में हम कहां जाएं। उन्होंने बताया कि सोमवार को भी ऐसा ही हुआ, इसलिए कई किसानों का गुस्सा फूट रहा है। 10 बार आ गए सर बैंक, हम लोग 10 तो चेक बाउंस किया है। पैसा के लिए बोलते है ना, आ जाना कल आना, हम लोग पैसा के लिए तंगी है। और बताओ, मैनेजर से बात करोगे, हम लोग अगर काम हो रहा था दसगात रहा, पैसा मांगे तो पैसा दिए नहीं, आप दूसरे दिन आना, और जब भी आओगे तो पैसा 4 बजे के बाद आएगा पैसा, ये बोलते हैं। हम लोग परेशान हैं इस बैंक से, हम लोग पहले चेक सिस्टम देता था वो अच्छा था। हम यहाँ धान बेचे हन और धान के पैसा ले खातिर हम का बैंक जिला सहकारी बैंक जांजगीर आए। हम पिछू सप्ताह भी आ रहे हैं, यहू सप्ताह भी आए हन, पिछू सप्ताह भी हमें नहीं मिली पैसा। यही बार 5 बजे थे, अभी तक हमें पैसा नहीं मिल पाते, ये हमारे बहुत बड़े समस्या है। तो हमें रात के पैसा मिली तो हमारे उठाई गिरी होए के संभावना है। मोर गांव में घुठिया का एक किसान है जिन ओकर उठाई गिरी हो भी चुके हैं अभी इसी साल, तो यह हमारे बहुत बड़े समस्या है। किसानों का भुगतान प्रतिदिन हो रहा है, किसी दिन भुगतान बंद नहीं हुआ है, निर्धारित दिवस का भुगतान हो रहा है और सिंगल विंडो से 25,000 का भुगतान किया जा रहा है। किसानों का आरोप है कि बड़े व्यापारी जो आता है उसको यहाँ से ज्यादा का भुगतान किया जा रहा है। बड़े व्यापारियों को भुगतान के लिए उतना राशि ही उपलब्ध नहीं है, बड़े किसानों को बड़ी रकम दी जाती है स्वयं किसान के रहने पर। किसानों ने कहा कि कुछ लोगों को ही पैसे मिलते हैं, उसमें भी रात कर दी जाती है, ऐसे में रात के वक्त हमसे कोई लूट कर ले तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। किसानों ने आरोप लगाया कि यहाँ मनमानी चल रही है, बड़े किसानों से पैसे लेकर उनको भुगतान कर दिया जाता है, हमें पैसे वापस ही नहीं दिए जाते, इसीलिए हम चाहते हैं कि व्यवस्था ठीक की जाए। ग्रैंड एसएन न्यूज के लिए सख्ती से महेंद्र कुमार के साथ भरत सिंह चौहान की रिपोर्ट।